दोस्तों जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत का हेल यूएई 2025 में शुरू हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस साल की शुरुआत में एयरो इंडिया के दौरान ये घोषणा की गई थी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल क्लास यूएई के विकास पर सहयोग कर रहे हैं। यह यूएवी 940 एचपी के थ्रस्ट के साथ एक टर्बोप्रोप इंजन द्वारा संचालित होगा और इसमें एक पुशर कॉन्फिग्रेशन भी होगा। प्रत्याशित विशेषताओं में 5 टन का समग्र वजन और 25 घंटे तक अधिक का प्रभावशाली धीरज शामिल होगा। मतलब दोस्तों ये 25 घंटे तक इंड्योरेंस रख सकता है, 25 घंटे तक ये हवा में रह पाएगा। दोस्तों IDRW द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक हेल यूएई के लिए डिज़ाइन कॉन्फिग्रेशन को इस साल के अंत में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। दोस्तों इसके डिज़ाइन को इस साल के अंदर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा और एक बार कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत कार्य शुरू हो जाएगा और प्रोटोटाइप के लिए इंजीनियरिंग निविदा प्रक्रिया और अगले साल होने की संभावना है। दोस्तों उसके बाद प्रोटोटाइप के लिए इंजीनियरों की भर्ती शुरू हो जाएगी और अगले साल से काम शुरू हो जाएगा। परियोजना का लक्ष्य 2025 के अंत में यूएई के संभावित रोल आउट को प्राप्त करना है। मतलब ये सोचा जा रहा है कि 2025 तक किसी भी तरह इस ड्रोन के रोल आउट होना चाहिए प्रोटोटाइप का। दोस्तों हेल क्लास यूएई को खुफिया निगरानी लक्ष्य प्राप्ति और रिकॉग्नेंस उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के अनुरूप वेरिएंट विकसित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम मल्टी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल तापस और आर्चर यूएई के कार्यक्रमों के विकास से प्राप्त अनुभव और तकनीक से लंबावित होकर जिसमें एक सुव्यवस्थित और कुशल निष्पादन सुनिश्चित होगा। दोस्तों ये जो मीडियम एल्टीट्यूड के ड्रोन है हमारे तापस और आर्चर, इस पर दोस्तों भारत को पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है और भारत अभी तक दोस्तों इन पर काम कर रहा है। दोस्तों शुरू में हम ड्रोन बनाने लगे थे टर्की के साथ में रुस्तम फर्स्ट, पर उसमें भारत को सफलता नहीं मिली है और अभी रुस्तम टू या तपस ड्रोन बना रहे हैं और एक तरफ आर्चर यूएई है। यह कहा जा रहा है कि आर्चर यूएई के पास तो फिर भी अच्छी खासी कैपेबिलिटी हमने डेवलप कर ली है, पर फिर भी उनको काम में लेने के लिए उपयोग नहीं है। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी हमने तपस और आर्चर से हासिल की है उस सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया जाएगा और अभी दोस्तों इसको एडीए मतलब डीआरडीओ ही नहीं एडीए डीआरडीओ और एचएल तीन कंपनियां मिलकर बनाएंगी और अगर इसमें प्राइवेट कंपनियों की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी साथ में मिलाया जाएगा। दोस्तों एक हेल क्लास का ड्रोन अडानी और इजरायली कंपनी मिलकर भी बना रहे हैं, हार्मस 900 नाम है उस ड्रोन का। तो दोस्तों उस भारत की प्राइवेट कंपनियां ऐसी बात नहीं है कि महारत हासिल नहीं की है, उन्होंने सुसाइड कामिकाजे ड्रोन और सर्विलेंस ड्रोन के मामले में और कृषि ड्रोन के मामले में भारत की कंपनियों ने महारत हासिल कर ली है। पर दोस्तों MQ-9 रिपर ड्रोन की तरह भारत के पास अभी भी कोई आर्म ड्रोन नहीं है, मतलब जिस हथियारों के साथ उसको सुसज्जित किया जाए इस प्रकार का ड्रोन भारत के पास अभी भी नहीं है और जिस ड्रोन से मिसाइल को फायर किया जाए या बम गिराया जाए उस तरह के ड्रोन अभी तक भारत ने विकसित नहीं किया है। ऐसे ड्रोन की भारत को सख्त आवश्यकता है। बाकी दोस्तों हम 1990 से सर्विलेंस ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। विश्वास नहीं करोगे, भारत में नौकरशाही की कमी की वजह से, मतलब दोस्तों फाइलें इधर उधर पहुंच जाती हैं, हम निजीकरण तो बहुत कर रहे हैं पर दोस्तों सरकार को भी ध्यान देना, सरकार को देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों आत्मनिर्भर अभियान तो बहुत चलाए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। पर दोस्तों हमारी ये कमी है कि ढीला रवैया, बहुत ज़्यादा ढीले रवैये की वजह से हमारे को अभी तक तेजस एयरक्राफ्ट भी पूरी तरह से नहीं मिल पाए हैं क्योंकि इतने धीरे प्रोडक्शन और इतने काम को धीरे किया जाता है, जब जिस समय चाहिए उस समय नहीं मिलता है। टर्की और भारत ने साथ में ड्रोन बनाना स्टार्ट किया था, टर्की ने उसके बाद दोस्तों तेजस की तरह एक ट्रेनर फाइटर जेट भी बना लिया, उसने 6th जनरेशन अनमैन फाइटर जेट भी बना लिया और उसको रोल आउट कर लिया, उसके बाद उसने 5th जनरेशन एमका की तरह फाइटर जेट भी बना लिया और दोस्तों अब की उसने घातक UCAV की तरह Anka-3 ड्रोन भी बना लिया और 25 से ज़्यादा कंट्रियों में उसने ड्रोन अपने बेच दिए हैं और दोस्तों उसने पैसा भी कमा लिया है। भारत अभी तक अपने लिए ड्रोन भी नहीं बना पाया है तो दोस्तों दुख तो होता है बहुत ज़्यादा कि अब ये हेल क्लास का UAE बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि चाइना की तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़े तो भी करो, सरकार को MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेनी पड़े तो भी लो, अगर किसी साइंटिस्ट को अमेरिका से बुलाना है तब भी बुलाओ। पर दोस्तों कुल मिला के इस आर्मर ड्रोन को हेल क्लास के यूएई को पूरी तरह से MQ-9 रिपर ड्रोन की तरह बनाओ तभी भारत मजबूत और सशक्त हो सकता है। बाकी दोस्तों ये ढीले रवैये से तो कुछ नहीं हो सकता है, ये एक अच्छी खबर है ये इन दिनों कि हेल क्लास का यूएई पर एडीए और एचएल काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर 2025 तक भी उसका प्रोटोटाइप आ जाता है पूर्णतया बनकर तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। पर दोस्तों अब इस तरह की वीडियो बनाकर हमें सरकार पर प्रेशर डालना होगा ताकि सरकार ये वीडियो देखकर या कोई भी देखे दोस्तों, पर उनको पता चले कि किस प्रकार भारत की जनता भी चाहती है कि हम आगे बढ़ें।
और हम MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भी खरीदने वाले हैं। उसके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होने वाली है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका जाने से पहले इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का आदेश तो दे दिया जाएगा, पर दोस्तों वहाँ पर MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में भी बातचीत होगी। तो वो बातचीत हो जाए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाए तो भारत को फिर और किसी ड्रोन की आवश्यकता नहीं होगी। उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कई तरह के ड्रोन बना सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कि इसी तरह ढीला रवैया रखना चाहिए कि भारत को और तेज गति से काम करना चाहिए और टर्की जैसी कंट्री को पीछे छोड़ना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।